हेलो दोस्तों, यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर या जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी आईडी, एक ऐसी सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको लेकर के आप जनसेवा केंद्र और सीएससी इन दोनों को हटा दें तब भी आपके सभी काम होते रहेंगे जो आप जनसेवा केंद्र और सीएससी के माध्यम से करते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सब कुछ काम आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी वहाँ से बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री सर्विस आपको किस तरह से लेनी है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको इसी तरह के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जिसके मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है डिजिटल ग्रामीण सेवा। ओके, आपको टाइप करना है डिजिटल ग्रामीण सेवा। इतना टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना। जब आप टाइप करते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा तो आपके सामने सबसे ऊपर ही इस तरह से लिख करके आएगा डिजिटल ग्रामीण सेवा, और ऊपर ये वेबसाइट दी गई है digitalgraminsewa.in, इसी पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए मैं फटाक से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के आप होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डिजिटल ग्रामीण सेवा, ये होली का लोगो यहाँ पर दिया गया है, हैप्पी होली का। उसके बाद में यहाँ पर जो आप इसका होम पेज देख रहे हैं, तो होम पेज में आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर आप कितनी सर्विसेज ले सकते हैं। तो यदि हम जल्दी जल्दी में बात करें तो यहाँ पर आप AEPS का आपको दिया गया है, आप आधार विड्रॉ कर सकते हैं, IMPS फटाक से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बैलेंस का, आधार की सर्विसेज भी यहाँ पर दी गई हैं, BBPS है, आप डिश टीवी का रिचार्ज भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैन कार्ड है, ये सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। यहाँ IRCTC, ये सभी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, जो सर्विसेज आपको जन सेवा केंद्र CSC में मिलती हैं, बल्कि इससे कम ही सर्विसेज वहाँ पर दी जाती हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज, हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है B2C, एक होती है G2C, बिजनेस टू सिटीजन, एक होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो देखिए यहाँ B2C पर जैसे ही आप आएंगे, B2C सर्विसेज जो लिखा हुआ है, ये लिखा है B2C सर्विसेज, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो B2C सर्विसेज में आपको क्या मिलता है, रिचार्ज करने के लिए आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैलेंस को आधार से विड्रा कर सकते हैं, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, BBPS इंश्योरेंस, ये बहुत कुछ इसमें है, जैसे माइक्रो ATM है, एंड्रॉयड ATM मशीन है, या किसी आप बैंकिंग कोई आप ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, किसी बैंक की आप ब्रांच अपने यहाँ खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इधर बात करें ट्रेवल से रिलेटेड, तो यहाँ पर होटल बुकिंग कर सकते हैं, बस की बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन टिकट, ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद NSDL के थ्रू आप पैन कार्ड बना सकते हैं, या आप चाहें तो UTI के थ्रू बना सकते हैं। ये तो बात हुई B2C की। अब हम चलते हैं G2C, मतलब जन सेवा केंद्र की जो सर्विसेज में दी जाती हैं उनमें। तो यहाँ G2C सर्विसेज पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ से बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैं आपको भी प्रूफ भी दूंगा कि ये फ्री किस तरह से है, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप यहाँ से बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आप यहाँ से बना सकते हैं, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कोई भी जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से न्यू GST का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, GST रिटर्न का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, किसी कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपका TDS कटा है तो उसको रिटर्न भी आप ले सकते हैं, वोटर आईडी जो है वो भी यहाँ पर, ये तो अच्छी बहुत ही अच्छी सर्विस है। यदि आपको वोटर आईडी प्रिंट करने का मौका मिल जाए यहाँ से, तो क्योंकि वोटर आईडी का प्रिंट कहीं से नहीं मिलता है, तो वोटर आईडी भी शायद इसमें मिल जाए, मैंने अभी इसका लाइव नहीं देखा है। उसके बाद में आपको यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर ये तो सर्विसेज आपको डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी पासपोर्ट के लिए आप चाहें तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फूड लाइसेंस आप चाहें तो होटल वगैरह का लाइसेंस यहाँ से ले सकते हैं। ई कॉमर्स जितनी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो फंड है, जो PF वगैरह का जो पैसा होता है, वो भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। पैन कार्ड की बात करें तो NSDL और UTI के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो बात हुई हमारी सर्विसेज की। ओके, अब यहाँ देखिए डाउनलोड में या अबाउट कॉन्टेक्ट, ये सब आप अपना खुद से देखिएगा। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सर्विसेज हैं इनका हमें मिनिमम या मैक्सिमम हम कितना तक कमा सकते हैं। आपको खुद अंदाज़ा होगा, जब आप दुकान पे चलाते हैं तो आपको पता है कि हम
एक दिन में कौन सी या मंथली हम कितनी सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको मंथली सेल करते हैं या बाई करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक न्यू टैब दिया गया है इनकम कैलकुलेटर। ओके, तो आप इनकम कैलकुलेटर पर क्लिक करिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो भी बता रहा हूँ इसको आप पहले लाइव देखिएगा, करिएगा, उसके बाद में ही इनकी सर्विसेज लीजिए। जो आईडी प्रूफ, आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह इनका है, इसको अपना रजिस्ट्रेशन बाद में ही करिए। पहले आप जितनी तरीके से मैं बता रहा हूँ ये सब अपना लाइव आप देख लीजिएगा उसके बाद में। अब चलिए हम यहाँ पर कुछ सर्विसेज इनके तरफ से दी गई हैं, तो उन सर्विसेज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब मान लीजिए आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, आपने मनी ट्रांसफ़र किया, तो जी हाँ, आपने मनी ट्रांसफ़र मान लीजिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है 5000 का, आपने मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन 5000 का ट्रांजेक्शन आपने किया है 5 बार। ओके, आपने 5000 का 5 बार आपने ट्रांजेक्शन एक दिन में आप कर देते हैं। ओके, नहीं करते हैं आप, सिर्फ एक ही मान लीजिए, एक ही ट्रांसफ़र आप करते हैं एक दिन में 5000 का। आप आधार से विड्रॉ जो बैलेंस निकालते हैं ये कम से कम आप एक दिन में 5 बार तो ज़रूर ही निकालेंगे, ज़रूर ही निकालेंगे। 3000 रुपये का आप एक दिन में ज़रूर ही निकालेंगे। रिचार्ज आप ये करते ही होंगे, तो आप कुछ नहीं तो 500 का रिचार्ज तो एक दिन में कर ही देंगे। कोई भी एक रिचार्ज आ गया, इसमें रिचार्ज तो आप जानते ही महंगे होते हैं। 500 का आपने रिचार्ज कर दिया, सॉरी 200 का आपने 5 बार रिचार्ज कर दिया, मतलब 1000 का आपका रिचार्ज हो गया। उसके बाद में बिल पेमेंट 1200 का है, आप मान लीजिए एक ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एयर टिकट आप कुछ नहीं करते, इसमें आप जीरो कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जीरो कर दीजिए। बस की टिकट भी आप जीरो कर दीजिए, जबकि लोग बुक करते हैं। होटल की बुकिंग भी आप जीरो कर दीजिएगा। पैन कार्ड आप बनाते होंगे पर डे या दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम ये है, तो मंथली तो आप ज़रूर ही करते होंगे। यहाँ पर मैं फिर से फिल कर देता हूँ, मनी ट्रांसफ़र मंथली आप कम से कम तो 30 मंथली तो करते ही होंगे। आधार से विड्रॉ कम से कम आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जो बैंकिंग जिनको CSP दिया जाता है वो मंथली लगभग 250 से 300 करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका एवरेज मान लेता हूँ कि आपने 200 किया। ओके, उसके बाद में रिचार्ज आप कम से कम करेंगे महीने का तो 30 दिन का महीना कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 30 ही लेता हूँ, कम से कम आपको बता रहा हूँ, मिनिमम ये आपकी इनकम हो सकती है। बिल पेमेंट आप कम से कम करेंगे तो मंथली 10 करेंगे। एयर टिकट भी आप कम से कम 5 बेचेंगे, बस की टिकट भी आप कम से कम 5 बेचेंगे। होटल बुकिंग आप 2 तो करेंगे ही। पैन कार्ड आप मंथली कुछ नहीं बनाएंगे तो तब भी 20 तो बनाएंगे ही। ओके, टोटल अर्निंग आप ये मंथ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो इधर पैन कार्ड है 20 रुपये, ये जो 110 रुपये आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक पैन कार्ड पर यहाँ पर आपसे 110 रुपये लिया जाएगा, और आपको टोटल यहाँ पर यदि आपने 22 बनाए हैं तो आपके पास टोटल 2200 रुपये आएगा। अब देखिए हमारी एयरनिंग कितनी है, ये रही हमारी एयरनिंग, कहाँ, यहाँ पर दोस्तों जो हमने रिचार्ज भरा है 30 ही रिचार्ज भरने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए हमारा 2250 रुपये निकलेगा मनी ट्रांसफ़र में, APS विड्रॉ में 2000 निकलेगा, रिचार्ज में 120 रुपये मिलेगा पूरे महीने का। तो टोटल हमारी अर्निंग हो जाएगी 6300 रुपये की एक महीने की। ओके, और एक साल की अर्निंग हमारी हो जाएगी कितनी, 75600 रुपये। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपने क्या किया है, कोई बहुत ज़्यादा कोई सर्विसेज भी नहीं, और सिर्फ B2C सर्विसेज है। यहाँ पर भी G2C सर्विसेज नहीं आएंगी, ये तो मैं सिर्फ B2C की बता रहा हूँ, मतलब बिजनेस टू सिटीजन। यहाँ पर यदि हम G2C की बात करें तो G2C में आप यहाँ पर G2C में आप आय प्रमाण पत्र भी बनाएंगे, जात प्रमाण पत्र भी बनाएंगे, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कि हर जगह से बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ CRS की जो होम जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही बनते हैं, वो भी 21 दिन से कम एज के, जबकि यहाँ पर आप हर तरह से बना सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है, विकलांगता है, ये सब यहाँ। पहली बात तो देखिए सभी सर्विसेज किसी भी सर्विस में या किसी भी फॉर्म पे आपको सभी सर्विसेज अपने काम की नहीं मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर जितनी भी स्टेट सर्टिफिकेट की, ये जो स्टेट सर्टिफिकेट है ये आपके सभी काम के हैं, है कि नहीं, तो जितनी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। अब ये तो सब हुआ, आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना है तो आप आईडी यदि लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है रजिस्ट्रेशन, इस बॉक्स पर आप क्लिक करिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है।
जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे इस तरह से फार्म ओपन होकर के एक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना शॉप का नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्म मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ और जो कुछ भी प्रोसेस इसका है वो मैं सब कर चुका हूँ, तभी मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि जानकारी मुझे हो सके अच्छी तरह से कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको शॉप का नाम लिख देना है, यहाँ पर ऑनर का नाम लिख देना है जो भी ऑनर है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको भर देना है, ईमेल आईडी अपनी एक भर दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार नंबर यहाँ से आप भर दीजिएगा, जिसका भी भरें, मैं अपना नहीं भर रहा हूँ, मतलब मेरे नाम से खुद से दुकान नहीं है तो मैं किसी दूसरे के जो बंदा यहाँ पर चलाता है जनसेवा केंद्र उसका मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है तो उसी का सब मैंने डिटेल यहाँ पर भर दिया। उसके बाद में यहाँ से पैन कार्ड आपको फिल कर देना है। पैन कार्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आप इस फर्म में मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर आप बनना चाहते हैं या आप रिटेलर बनना चाहते हैं। तो यहाँ से आप रिटेलर का फॉर्म भरते हैं, रिटेलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिटेलर बनेंगे, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने अंडर में रिटेलर को जोड़ सकते हैं। तो जितने भी रिटेलर वर्क करेंगे उनका भी कमीशन आपको यहाँ पर मिलेगा, लगभग 20 पैसा पर सर्विस का आपको मिलता है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं तो आप अपने अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर भी जोड़ सकते हैं, रिटेलर भी जोड़ सकते हैं। तो इनमें से मैं तो फिलहाल रिटेलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो रिटेलर का अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है एक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई एम नॉट ए रोबोट। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है सबमिट पर। दोस्तों मैं इससे पहले कर चुका हूँ तो मैं सबमिट पर क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिख करके आ जाएगा ओके, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी गई है और आपसे कोई ना कोई एक कॉन्टेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आपको अपने SMS बॉक्स में जाना है, आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने नंबर दिया है उसी नंबर पर आपको ये SMS मिल जाएगा। तो मैं आपको ये SMS दिखाता हूँ, मुझे कल ही मिला है, यही रहा ये, इस तरह से आपको एक SMS मिल जाएगा। तो SMS में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन का, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये इतना तो हो गया अलग, कॉन्टेक्ट अवर टीम ऑन, आप यदि इनकी टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिए गए, आप देख भी सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जहाँ पर मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं और यही नंबर आपको उस वेबसाइट पर भी मिलेंगे जब वेबसाइट पर आप जाएंगे। तो ये जो नंबर है इन पर आप चाहें तो आप कॉन्टेक्ट करें, और क्या किस लिए कॉन्टेक्ट करें, टू एक्टिवेट योर ID एंड कम्प्लीट योर KYC। तो आप यदि अपनी ID को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल करें। मैंने तो फिलहाल इनके पास कोई कॉल नहीं की, तो हमारे पास ये कॉल उधर से बैक में आई थी, तो उस कॉल में हमारी जो भी बातचीत हुई है वो बातचीत के आधार पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या बातचीत हुई। फ्रेंड्स हमारी उन्होंने जब कॉल की तो उन्होंने बताया कि मैं डिजिटल सेवा के फॉर्म से बोल रहा हूँ, तो आप इस सर्विस लेना चाहते हैं, तो मैंने उनको बताया जी हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी सर्विस लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको उनका मैं आपको यहाँ पर फटाक से दिखाई देता हूँ व्हाट्सएप में। उन्होंने मुझे जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी डिटेल्स बताई वो उन्होंने बताई कि मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड की और मुझसे कहा कि आप देख लीजिएगा जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको यहाँ पर दी हैं या बताई हैं वो सभी सर्विसेज आप देख लीजिए, सर्विसेज यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख करके दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप हमारे पास भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर हमारे पास ये एक रहा नंबर, इस नंबर से मुझे यहाँ पर उस तरफ से मुझे ये बातचीत हमारी जो भी हुई बातचीत क्या, मैंने तो खैर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उधर से ही मुझे भेजा गया, ये रहा उनका एडवर्टाइजिंग का जो लिंक है वो एडवर्टाइजिंग का ये पूरा उन्होंने अपना सेट बना करके तैयार रखा है। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने मुझसे क्या कहा, देखिए इन्हें पैन कार्ड चाहिए होता है, इन्हें आधार कार्ड चाहिए है, आपका फ़ोटो, बैंक की पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतनी डिटेल इन्हें चाहिए, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं मांगते हैं। इसके बाद आपको ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर यदि आपको बनना है तो आपको इनकी आईडी लेने के लिए 10,000 रुपये पेड करने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे अंडर में मैं बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर सकता हूँ तो 10,000 रुपये कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद यदि आपने सिर्फ दो ही डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर लिए तो 5,000 आप दोनों से लेंगे और वहाँ से 5,000 10,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 में 5,000 आपको इन कंपनी को देना है, 5,000 अपने पास रखना है। उसके बाद यदि आप रिटेलर बनते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना होगा,
तो जो मैंने आईडी प्रूफ आप आईडी जो मैंने आपको बताई है उसका सिर्फ आपको 1,000 रुपये देना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको सिर्फ यही 1,000 रुपये देना है, उसके बाद में आप इनकी जितनी भी सर्विसेज लेते हैं, जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो G2C में यदि आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि जनसेवा केंद्र में आपसे 20 रुपये चार्ज लिया जाता है, वो नहीं है यहाँ पर पड़ने वाला। जात प्रमाण पत्र, निवास, आय जात निवास, या जो कुछ भी आप जितनी भी सर्विसेज यहाँ पर यूज करेंगे टोटल फ्री हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उधर से कॉल आएगी, आप हमारी जो मैं आपसे कह रहा हूँ उन बातों की सच्चाई को जानने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर दीजिए। उधर से जब आपके पास कॉल आए तो उनसे बात आप करिएगा कि क्या आपकी जो सर्विसेज हैं वो सभी फ्री हैं, मुझे वन टाइम 1,000 रुपये पेड करना है या हर सर्विस के लिए अलग से 20 या 30 रुपये मुझे पेड करने होंगे। तो वो आपको यही बताएंगे कि आप वन टाइम मुझे 1,000 रुपये पेड करिए रिटेलर आईडी के लिए, वन टाइम पेड करिए आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के 5,000 रुपये वन टाइम पेड करिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए, और वन टाइम 10,000 पेड करिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए। इसके अदरवाइज आपसे कोई भी चार्ज किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के। यहाँ पर व्हाट्सएप में मेरे पास ये कुछ इन्होंने अपनी सर्विसेज के जो लोगो थे ये लोगो भेजे हैं, इनमें रेट वगैरह लिखी है, मतलब कमीशन वगैरह लिखा है, कितना परसेंट कमीशन मिलता है। इन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी यहाँ पर मुझे भेजा है कि आप इस अकाउंट नंबर पर जो 1,000 रुपये फीस है वो आप भेज दीजिएगा। ये रहे इनके डॉक्यूमेंट, इनको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार, पैन, पासपोर्ट, मोबाइल, मेल आईडी और पेमेंट स्लिप, जो पेमेंट किया है उसकी स्लिप, इतनी चीज़ें आईडी इसके बाद में मिल जाएगी। अब देखिए इनकी डिजिटल ग्रामीण सेवा यहाँ पर इनकी सर्विसेज कितनी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आयुष्मान भारत योजना भी यहाँ पर मिली, आधार उद्योग मिले, बहुत अच्छी सर्विस है, EPFO, वोटर आईडी वेरिफिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल टाइप इंश्योरेंस, वैसे तो ये सभी जितनी भी सर्विसेज हैं ये सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं। आपको पैन कार्ड बनाना है डायरेक्टली वेबसाइट से बना सकते हैं, आधार तो खैर नहीं बना सकते, पासपोर्ट आप डायरेक्टली वेबसाइट से बना सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना जो है इसका जिनका CSC के थ्रू हो चुका है अप्रूवल वो बना सकते हैं, नहीं हुआ है तो आपके लिए सर्विस बहुत अच्छी है, मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो सर्विसेज जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी, लेकिन हर सर्विस का आपको बार बार चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यही है कि आपको सिर्फ इनका एक बार ही चार्ज देना है, इसके अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं देना है। तो मुझे तो खैर सर्विस बहुत अच्छी लगी है, बात भी मैंने उनसे की है कि मुझे सर्विसेज चाहिए हैं, उन्होंने बताया भी है, आप इनसे बात भी कर लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको 1,000 रुपये बताएं तो आप 1,000 ही में ही मानिए, उनसे कहिए कि रेट ज़्यादा है मुझे कुछ कम करके लगाइएगा, मैं सर्विस लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, हो सकता है कुछ कम हो जाए, बात करिए, या आपको सर्विस लेते हैं काम करिएगा। ये सर्विस आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को देखकर मैंने सर्विस ली, बहुत ही अच्छी सर्विस है। जैसा जो कुछ है वीडियो अच्छा लगा है तो फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा है, अच्छा नहीं लगा है तब भी आप बताइए। यदि आप पहले से ये सर्विस ले चुके हैं तब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जो जनसेवा केंद्र या CSC वगैरह चलाते हैं इन लोगों के लिए ये एक ही प्लेटफॉर्म है और एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, बार बार पेमेंट भी नहीं करना है। तो यदि आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आप पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, भगवान करे आपका समय शुभ हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।